ऐसी सोच है, मुझे खुद थायराइड है, मैं थायराइड से अभी इतनी तो थायराइड से मैं खुद परेशान हो रही हूँ। मैं लोगों को बताती नहीं हूँ, मैं अपने में ही रखती हूँ बातें कि यार क्या बोलूँ, किसी को बता के कोई समझने वाला। हे फैमिली, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, और आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी फ़िलहाल। अब मॉर्निंग के बज रहे हैं 6, सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, और आज मिस्टर जी को जाना था कहीं काम से। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के सोए थे, लेकिन मैंने बोला अलार्म बज गया है, उठ जाओ, आपको जाना है। नहीं, अलार्म बंद करके सो गए। अभी 6 बजे उन्हें याद आ रही है कि अरे मुझे तो जाना था वाली याद आ रही है, और अभी जा कर के हम उठे तो वो तो गए नहीं, फिर अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाती हूँ, चाय पानी पीते हैं, क्योंकि अभी हमने चाय पानी पिया भी नहीं है। तो 5 बजे उठ गई थी यार, सोची थी सुबह ही नहा धो लूँगी, लेकिन सुबह भी नहीं नहाया आज। और वही फिर ना, सुबह अगर सुबह नहीं नहाओ तो पूरे दिन हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं नहाना नहाना है नहाने को लेकर के। तोलती हूँ नीचे, बिट्टू बिट्टू के पापा चले गए नीचे, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और आइए, बढ़िया सी धूप आई है आजकल ना, 2-4 दिन से बढ़िया धूप आ रही है यहाँ। और बीच में तो बादल बादल हो रहे थे, लेकिन आज की बढ़िया धूप आ रही है। अब पड़ेगी गर्मी, और आप लोगों को पहले यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। यहाँ से पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, साफ एकदम से। आप लोगों को पहले मौसम दिखाती हूँ। बिट्टू यहाँ पर अपनी दादी के पास आ गया है सुबह सुबह, ऊपर से आवाज़ लगाने लगता है। क्या खाता है ये सुबह सुबह? ये खा रहा था चाउमीन। रख दूँ? नहीं रखूँ? प्लेट मुझे दे दे, पर पानी पी रहा हूँ। पानी ले आऊँ? दिल ने पानी पिएगी ये? हाँ ठीक है, वहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। पापा का काढ़ा बन रहा है, यहाँ पर चाय बन रही है अभी। अभी चाय पानी पीने के बाद बिट्टू और मैं आ गए थे पीछे की ओर, जंगल की ओर घूमने के लिए आ गए थे। मैं आजकल वैसे मैं डेली जाती हूँ सुबह, आज 5 बजे आजकल पा जा पा रही हूँ, लेट हो जा रही हूँ। 5:30 में गई थी एक चक्कर, फिर उस टाइम पर ना जंगल में कुत्ते भूख रहे थे, यहाँ बाघ लगे रहते थे, फिर मैं वापस आ गई थी। अभी हम एक चक्कर लगा के आ गए हैं, बिट्टू और मैं 1-2 चक्कर मार के आ गए हैं आगे तक। यार बहुत मोटी हो गई हूँ, ये मोटी मैं हुई हूँ, दुनिया को परेशानी होती है, कोई भी हो यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है दूसरों के परिवार में लक्चर मारने वाले लोगों को देख के, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तुम्हारी बहू तो मोटी है, फलाना है, तेरी मम्मी तो मोटी है। अरे मोटी हूँ मैं, मोटी हूँ, तुम्हारे घर का थोड़ी खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपने पति का खा रही हूँ, तुम्हारा क्या खा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो दूसरों के परिवार में आकर के उंगली उठाते हैं ना, पहले अपने घर वालों को देखो फिर दूसरे को घर वालों को देखना, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। मैं मोटी हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, तुम लोग कौन होते हो जज करने वाले कि हाँ मोटी है मोटी है, तेरी अमकनी तो मोटी है, तेरी तो वो ये मोटी। कुछ लोग दूसरों को लेक्चर तो मतलब ऐसे देते हैं जैसे कि तो खुद इतने स्लिम डिलिम होंगे, इनके घर में सारे स्लिम ही होंगे, यानी कि ऐसे लेक्चर देंगे। अरे यार पहले तुम खुद को देखो, और अगला है भी तो तुम्हें क्या लेना देना उससे, मोटा है ये है वो है। अरे हाँ यार, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि मैं पतली हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ तो इसमें क्या मेरी गलती है मैं मोटी हूँ? और तुम लोग कौन होते हो कि मुझे जज करने वाले? मैं जैसे हूँ जो भी हूँ मैं खुश हूँ, मेरे पति को मैं पसंद हूँ, मेरे बच्चे को मैं पसंद हूँ, मेरे घर में मैं पसंद हूँ, तुम लोग कौन होते हो दूसरों को जज करने वाले? मुझे बहुत गुस्सा आती है दूसरों के परिवार से टांग अड़ाने वाले लोग को देख करके। कुछ लोग इतने मतलब वो लेक्चर वाले होते हैं ना, इनको मतलब ना कहीं मीटिंगों में भेज देना चाहिए भाषण मारने के, दूसरों के घरों में आ हाँ तू तो मोटी है फलाना है। अरे यार हाँ मैं मोटी हूँ, मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ, मुझे मैं पसंद हूँ, मेरे माँ बाप को मैं पसंद हूँ, मेरे पति को मैं पसंद हूँ, मेरे बच्चे को मैं पसंद हूँ, तुम लोगों को मुझसे क्या लेना देना, तुम्हारे घर का तो दिखा रही हूँ। और अपने शरीर की चिंता खुद अपने को होती है, अगर मैं मोटी हूँ तो मेरे मोटे होने की चिंता मुझे खुद है कि हाँ मैं मोटी हूँ, मेरा शरीर बिगड़ रहा है करके। लेकिन तुम लोग किसी को मतलब मेंटली टॉर्चर करने वाले कौन होते हो? मुझे बहुत ऐसे लोग ना पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, खुद के घर को देखेंगे नहीं, अपने को ऐसा समझते हैं जैसे कि तो ये खुद कितने स्लिम डिली होंगे करके, ना नाक ना नक्श ना मुँह ना आँख ना कान ना सब ढंग का, और को भाषण मारने को कहो। अरे हम तो किसी को जज नहीं करते, और करना भी क्यों है जज? किसी की लाइफ के फैसले लेने वाले हम कौन होते हैं भाई? नहीं, हम कौन होते हैं? उनकी
जिंदगी उनकी पर्सनल लाइफ उनकी मर्जी, उनको जैसे रहना है रहे, मोटे रहना है रहे, पतले रहना है रहे, काले रहना है गोरे रहना है, कैसे भी रहना, हम कौन होते हैं और तुम कौन होते हो किसी की लाइफ में जज करने वाले। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे ना इधर उधर के लोग थोड़ा हैं, हाँ तू तो मोटी है, फलाना मोटा है, ये मोटी है मोटी है। अरे मैं मोटी हूँ मोटी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे ना यार मतलब मैं कभी कभी सुन सुन के इतना मेंटली टॉर्चर होता है, कभी कभी सुन के सर दर्द भी होता है, कभी कभी मुझे तरस भी आता है ऐसे लोगों के ऊपर। यार मैं क्या बोलूँ यार, पता नहीं कैसी सोच है। मुझे खुद थायराइड है, मैं थायराइड से अभी इतनी मतलब थायराइड से मैं खुद परेशान हो रही। मैं लोगों को बताती नहीं हूँ, मैं अपने में ही रखती हूँ बातें कि यार क्या बोलूँ, किसी को बता के कुछ समझने वाला तो है नहीं, इससे अच्छा तो अपने तक ही रखो ना। नाश्ता जो है ना मेरा बन गया है, अब मैं जा रही हूँ गाय के लिए भूसा बनाने के लिए। नहीं दे रहा, जो चीज मम्मा करेगी बेबी को भी करनी है हमारे ना। बेबी बेबी हमारा बाबू है तो सुंदर साना कहना ही नहीं मानता है बिल्कुल भी। हथिया क्यों ली आपने, हथिया क्यों ली मम्मा। अच्छे बस बन गया, अभी गैया को दे देते हैं हम। अच्छा